नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गोल्ड लव डेयरी फार्म में। जैसे कि अभी आपके सामने देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर बछिया हैं और इनमें बछड़े भी है, मिक्स है दोनों के दोनों। थोड़े बच्चे जो बड़े हो जाते हैं उनको हम बाहर रखते हैं, जो छोटे होते हैं उनको थोड़ा रूम में रखते हैं ताकि बड़े बच्चे छोटे बच्चों के ऊपर चढ़े ना, वो उनको चोट वोट ना लग जाए। इसलिए तो इनके लिए हमने पूरे यहाँ पर शेड के नीचे फैन वैन लगा रखे हैं और आप देख सकते हो बच्चों की क्वालिटी आप देख सकते हो आपके सामने है। कबरे हैं बच्चे, लाल में भी मिलेंगे, रेड कलर में भी कबरे भी मिलेंगे आपको, लीलड़े में भी मिलेंगे, ब्लैक कपीला भी मिलेगी आपको बछिया। ये आप देखो, ये 6-6 महीने के बच्चे हैं, कोई एक आधा साल भर का होगा इनमें से, तो ज़्यादातर ये कोई 6 महीने का है, कोई 5 महीने का, कोई 4 महीने का, इससे ऊपर ऊपर बच्चे हैं। 4 महीने से नीचे के बच्चे हम अंदर रखते हैं रूम के अंदर। आप क्वालिटी देख सकते हो सारे बच्चों की। इनमें से काफ़ी बच्चे हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीने आप छोड़ दिया है। तो और किसी मेरे साथी को उनमें से कोई सही बच्चा चाहिए तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें आप। बाकी आपके सामने ही है क्वालिटी, और कोई आप पसंद करोगे तो आपको पर्सनली फ़ोटो भी भेज दिए जाए। ये बोल रहा है। इधर ही इन्होंने बाहर की तरफ ही हमने इनके लिए खोर बना रखी है, इनका चारा वारा सब इस खोर में डाल देते हैं। ऐसे एल टाइप में खोर बना रखी है, पीछे तक आपकी नज़रदारी होगी देख सकते हो आप। तो ऐसे ही बाहर की तरफ चारा डाल देते हैं। अभी इनके लिए हमने ज्वार डाल रखी है, इन्होंने खा चुके हैं सारी ज्वार, ये खा के बैठे हुए हैं आराम से सारे बच्चे। और अभी जो इस तरफ है हमारी, ये सारी गऊ माता सारी ड्राई हो चुकी है, अभी ये कोई भी दूध नहीं दे रही है। आप क्वालिटी देख सकते हो सबकी, 100% प्योरिटी में सारी की सारी गौ माता। आपको मैं अंदर से ढंग से और दिखा देता हूँ दोबारा। ये भी सारी सेल के लिए अवेलेबल है, ये आप देखो, ये ब्लैक कपीला है अपनी, ये अपनी दुर्गा है, ये दुर्गा है अपनी सबसे पुरानी गौ माता है हमारी, सबसे शांत स्वभाव की गौ माता है। ये एक बच्चिया को बाहर है, ये अभी है 10 महीने की बच्चिया ये वाली, ये देखो ये अपनी कबरी गौ माता, 100% प्योरिटी में है ये और बहुत शांत स्वभाव की, कहीं पे भी हाथ कर सकते हो आप पूरे शरीर पे, कुछ नहीं कहती है ना। ये अपना बुल है, लीलड़ा बुल, साल भर का हो चुका है ये रही अपनी गौ माता, और पीछे कबरी गौ माता है, फेस पूरा कबरापन में है। आपको दिख ही रहा होगा क्वालिटी पूरी प्योरिटी में, 100% प्योरिटी में। ये अपनी स्वर्ण कपिला गौ माता, ये देखो आप, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव में है ये, अपने आप ही सर नीचे कर लेती है खुजाने के लिए। हमारे पास सारी गौ माता सारी की सारी शांत स्वभाव में ही है। ये अपनी तीनों इधर बैठी हुई है। चलो अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ रूम में, अभी मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है गौ माता की, अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। बाकी आप बाहर से भी देख सकते हो सबको, ये अपना लीलड़ा बुल, ये सब सेल के लिए अवेलेबल है। जितनी भी गौ माता मैंने आपको अभी तक दिखाई है सबकी सब सेल के लिए अवेलेबल है। ये अभी ड्राई हो चुकी है, मतलब प्रेग्नेंट है सारी की सारी गौ माता, कोई 4 मंथ की, कोई 5 मंथ की, कोई 6 मंथ की, अलग अलग डेट है इनकी। अगर आपको इनमें से कोई भी चाहिए तो हमसे जरूर आप कॉन्टैक्ट करें। ये इधर भी हमने छोटे बच्चों के लिए बना रखा है बाड़ा, ये सुबह इनको ले आते हैं, शाम के टाइम इनको अंदर डाल देते हैं कमरों में। अब चलो अंदर चलते हैं। ये अपने डॉग अर्जेंटीना के पपीज हैं, ये उसका नाम स्टेला है, इसका नाम ब्लॉसम है, और उधर मेल पपी है वो मैक्स है, सोरा है। ये देखो आप, अभी इन सबका फीडिंग टाइम है, अभी फीड खा रही है, फिर इनके दूध निकाला जाएगा। कि पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे, ये अपना एक बुल है अपना अर्जुन, उससे बैक साइड में
करण, और ये अपने एक और बुल अभी तैयार हो रहा है, ये कार्तिक नाम है इसका, इस बुल का नाम कार्तिक है, ये अभी तैयार हो रहा है। आप साफ सफाई देख सकते हो डेयरी फार्म के अंदर, बिल्कुल क्लीन रखते हैं हम अंदर की तरफ, सुबह शाम दो टाइम सफाई होती है अंदर की तरफ। ये अपनी सारी गौ माता आराम से अपना भोजन करती हुई, ये भी इनका दूसरा रूम आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो गौ माता को, आप क्वालिटी देख सकते हो सारी सारी गौ माता की, 100% प्योरिटी में सबकी सब। आप इनका हम साइज देखो, इनकी लेंथ देखो, इनका कान का साइज देखो, बहुत ब्रॉड ईयर्स हैं इनके। चलो अभी आपको एक और कमरे में लेके चलता हूँ, एक और कमरा है इनका, अभी लाइव मिल्किंग दिखा रहा हूँ मैं आपको गौ माता की। अब आपको दूसरे कमरे में लेके चलता हूँ, इस रूम में भी अभी लाइव मिल्किंग चल रही है, ये आ गई अपनी बच्चिया, ये गाय इसे खाने नहीं दे रही है, खाने की तलाश में है। अब आपको मैं छोटे बच्चों के रूम में लेके चलता हूँ, ये अपने छोटे बच्चे आपके सामने, आप क्वालिटी देख सकते हो सारे बच्चों की, एक से बढ़कर एक है, कब्रे में भी बहुत सारे हैं, लीलड़े में भी हमारे पास, हर कलर में आपको गिर गाय के बच्चे मिल जाएंगे। ये देखो, ये अपना लीलड़ा है, ये मेल है, मेल काफ है, अभी इसको खाली 15 दिन हुए हैं इसको पैदा हुए, और बहुत ही शरारती है ये अभी से ही, वो अपनी बच्चिया है कबरी में। इधर मैक्सिमम बच्चिया ही मिलेगी आपको, एक या दो बुल रख रखे हैं हमने अंदर, जो अभी पैदा हुए हैं बच्चे हैं वे, बाकी सारी बच्चिया इधर। अब आपको दूसरे रूम में लेके चलता हूँ, ये भी अपनी गौ माता राधा, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना, खाना खा रही है, मेरा गुस्सा आ जाए। ये भी अपनी और गौ माता, वो लीलड़ी में आप देख ही सकते हो आपके सामने है। हम डेली अपनी गौ माता के लिए ज्वार लेके आते हैं, डेली इनको ज्वार खिलाई जाती है, क्योंकि अभी ज्वार कट रही है, ये देख सकते हो आप, इधर की तरफ सारी ज्वार ला रखी है, डेली लेके आते हैं, तो क्योंकि इनके फीड में गाय को राम राम भाई, इनको यही पसंद आती है, इनकी फेवरेट फीड होती है ज्वार, राम राम भाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मिलते हैं दोबारा आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता।